हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब ये स्ट्रक्चर देखो शेयर का कैसे चल रहा है। 3-4 रुपए वाला शेयर, अब ये मंथली चार्ट लगा रहे हम, 4 महीने में देखो 4 रुपए का शेयर 36 रुपए 20 पैसे पहुंच चुका है। ये शेयर में अभी क्या होगा, जो हमारे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर है वो ये मुंह देख लेंगे चल रहा है ऊपर, या कुछ रातों रात करोड़पति बनाने वाले जो अपने चैनल से वो बोल देंगे ये शेयर खरीद लो, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक लेगा। पर आप करोड़पति नहीं, आप रोडपति बनोगे, इतना तो पक्का है। ये शेयर पकड़ने जाओगे, फिर जैसे अपर सर्किट खुल गया उसमें अटक गए, और अटकने के बाद फिर आपका एक ही काम होता है, इसमें फंस गए अब क्या करें। तो ये शेयर से पहले इन्वेस्ट करने में, ये शेयर में, ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको देखना है उसके फंडामेंटल कैसे। आप पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। शेयर का नाम है स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अभी ये कंपनी देखा जाए तो फंडामेंटली देखो 31 करोड़ की कंपनी, स्टील स्ट्रिप इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इनका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर रियल इस्टेट ट्रेडिंग एंड कमीशन एजेंसी बिजनेस। स्टॉक का पी 1 का पी है और फेस वैल्यू 10 की है। अभी अगर देखा जाए ये जिस हिसाब से बढ़ा, ये तो कुछ अनाप शनाप बढ़ गया, इसमें अभी कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। कंपनी के ऊपर का जो कर्जा है वो बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज फ्रॉम 39 डेज टू 61 डेज। ये कंपनी का बढ़ते जा रहा कर्जा, सिर्फ ये इसकी बुक वैल्यू से 0.91 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अभी। ये एक ही पॉजिटिव बात है। इनके कंपेयर में देखा जाए तो जहाँ गोदरेज प्रॉपर्टी है, ओबेरॉय रियलिटी है, डीएलएफ जैसा शेयर है, जीआर इंफ्रा, तो कहाँ लगता है ये पेनी शेयर। पर लोग इसके पीछे भागेंगे, फंसेंगे, इतना तो मुझे पक्का है। अभी इनके सेल्स देखो 0.29 करोड़, 0.31 करोड़, 0.13 करोड़, 0.27 करोड़, ये क्या है, 1 करोड़ के भी सेल्स नहीं इनके, तो ये शेयर में इन्वेस्ट करना ही क्यों है। ये वीडियो बनाया मैंने इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे, और इसमें रिटेल इन्वेस्टर ना फंसे। 26 करोड़ की इनके पास रिजर्व से और बोरोइंग 5 करोड़ की है, पर कर्जा उनका कांस्टेंट है और कर्जा बढ़ते जा रहा डेट का डेज, ये याद रखना है। प्रमोटर के पास 50%, डीआई 0.03 और पब्लिक के पास 50% ऑलमोस्ट। तो प्रमोटर और पब्लिक के पास सेम सेम क्वांटिटी है, ये मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता है। एटलीस्ट FISDIs उसमें चाहिए थे, और पब्लिक कम होती तो मैं बोलता कि इसमें रिस्क लिया जा सकता है। क्योंकि ये शेयर में अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट पे आपको समझेगा, ये देखो डेली चार्ट पे ये बढ़ती ही जा रहा है, और अगर ये लोअर सर्किट लगा, समझो यहाँ से गलती से भी ये लोअर सर्किट लगा, तो इसका फर्स्ट लेवल ही निकल के आएगा ये, जो कि है 25 रुपये तक। तो ये सीधा आएगा नीचे, 25 रुपये तक सपोर्ट लिया तो ले सकता है, नहीं तो ये फिर आएगा सीधा इधर 7 रुपये के आसपास। इतना गिरने का पोटेंशियल रखता है ये शेयर, अगर चढ़ने का पोटेंशियल रखता है तो गिरने का भी रखता है। तो ऐसे शेयर से हमें दूर रहना है। इसका सिंबल है STLSTRINF, स्टील स्ट्रिप इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इससे दूर रहो, और बहुत रिस्क लेनी होगी तो रिस्क लेने वाले ट्रेडर हो गए तो उसमें आप अपने हिसाब से बाय कर रहे हो, मेरा तो इसमें अवॉइड करने की सलाह होगी आपको। तो ये रहा शॉर्ट एनालिसिस, पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।